चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक दलित व्यक्ति और उसके परिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भोज पर आमंत्रित किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दलित समुदाय के साफ सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल में बैठक कर रहे थे। इस दौरान हर्ष सोलंकी ने केजरीवाल को भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए सोलंकी और उनके परिजनों को दिल्ली में उनके आवास पर भोज के लिए आमंत्रित किया है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे 15 दिन 20 दिन पहले आप एक इधर विजिट करने आए थे, तब आप ऑटो ड्राइवर के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर, मानोगे? बताओ। पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखाने जाते हैं। हाँ सर, आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं, आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, पांच लोग हैं हम। पांच लोग हैं? हाँ सर। तो कल पांचों लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू, पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू।